वेलकम बैक पीए चामी टू द चैनल। जहाँ पे गाइस आज एक बार फिर से अपन खेल रहे पोकेमोन टीम रॉकेट एडिशन। और आज भाई अपन को जाना है अपने बेस के अंदर, बिकॉज लास्ट एपिसोड में भाई अपन ने अपने एडमिन से बैटल किया था एंड उसको अपन ने हरा दिया था भाई, एंड उसने मेरे को भाई बेस के अंदर वापस बुलाया भाई। तो चलते भाई फटाफट से बेस में एंड अपने काफ़ी सारे पोकेन फेंट हो रखे भाई, एंड भाई उनको पहले हील कराना पड़ेगा। तो फिर मैं चलता हूँ पोकेन सेंटर पहले, एंड वहीं से रास्ता है भाई बेस का, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो यहाँ पे एक बात अच्छी है कि नस जो है भाई भेदभाव नहीं करती पोकेन हील करने में, वो टीम रॉकेट का या फिर किसी का भी हो हील कर देती है भाई, ये बड़ी बात है भाई। ये क्या हो गया भाई, अंडा फूट रहा है भाई, वाह क्या बात है भाई, ये भाई ये फूटा 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 फूटा, ओहो हाउंडूर निकला। चलो ठीक है, हाउंडूर उतना भी ख़राब पोकेन नहीं है भाई, नहीं हाउंडा हो रहे हो, सॉरी हाउंडा हो रहे, हाउंडूम बनेगा वही बॉल है कि मैं एक्साइटमेंट भी ज़्यादा ही भूल गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, हाउंडा हो रहे, हाउंडूम बनेगा वो। एंड डार्क और फाइटिंग ने डार्क और फायर टाइप का शायद से पोकेन हो भाई, जहाँ तक मेरे को पता है, बाकी तो पता चल ही जाएगा जब इवॉल्व होगा। तुम तो ये बनता भी था इधर है कैसा भाई, कुछ नहीं बोल रहा, ये लड़की तेरी वाइफ ही क्या, लुक व्हाट यू हैव डन, इट विल टेक अस सेवरल मंथ्स टू रिकवर फ्रॉम दिस। ये बात तो सही है, वैसे मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मेरी गलती है वैसे। ए भाई कैसा है, यू आर इनक्रेडिबल संजीव, डू यू सी हिज फेस व्हेन यू डिफीटेड हिज एलाइट पोकेन विद डिग, आई होप डैट आवर रिवॉर्ड विल बी इनफ ऑफ योर ग्रेस, आई विल स्टे हियर फॉर अ बिट लॉन्गर, बी केयरफुल, नो वन विल टेक ऑफ मे दिस टी एम डी। ओके चल भाई, ओके रास्ता यहीं से भाई, डिचुक 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 डिचुक, ये बढ़िया भाई, कूदम कादी करके आओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई डे केयर ने ऐसा कूदम कादी वाला रास्ता क्यों रखा भाई, नीचे से क्यों नहीं है भाई। ओके टीम रॉकेट नहीं है, हाँ चल भाई चलते हैं अंदर। बॉस आई एम हियर, आई एम इन द बेस भाई, कहाँ हो आप, यहाँ है भाई। ओके ग्रंट संजय, योर परफॉर्मेंस एट एम्प्टी मून्स वॉज नोटिस्ड, हायरिंग ग्रंट फ्रैंक ऑलरेडी टोल्ड मी ही इज वर्जन ऑफ इवेंट्स एंड हाउ वी वुड हैड गॉट टू मोर फॉसिल्स ऑन अवर वॉलेट्स, डू यू हैव आइडिया अबाउट हाउ मच मनी इट इज संजय, द प्रोजेक्ट एंड रिसोर्सेज दैट वी वुड कीप इट विद इट, आई विल सेंड यू राइट नाउ टू द जेल। क्या बात है भाई, चोरों के पास भी अपना जेल होता है, मेरे को तो लगा था टॉर्चर रूम होता है भाई। एंड कीप यू देयर इनफ टाइम टू मेक यू मेडिटेट अबाउट योर एक्शंस और इवन वर्स एक्सपेल यू फ्रॉम हियर, बट द वन इन चार्ज ऑफ एम्प्टी मून मिशन कुल बी रफ एंड नॉट वेरी पेशेंस, बट आउट ऑफ हीट ऑफ द मिशन हिज असेसमेंट्स आर टोटली ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड, नॉट ऑल दिस इन एवरेज ग्रंट फेसिस एंड डिफीट्स अ सुपीरियर इन चार्ज, आइदर यू आर इनक्रेडिबली ब्रेव और इनक्रेडिबली स्टूपिड और बोथ, एनीवेज सही बात है भाई, एक है या फिर दूसरा है, नहीं ये तो दोनों है भाई, ऐसा नहीं तो एक भी नहीं है, मगर एक है तो है वरना दोनों है भाई, अब तू समझ ले कौन सा है ये बढ़िया है भाई, एनीवेज वी विल डिस्कवर इट, आई हैव अ मिशन फॉर यू, लेट सी हाउ फार गोस योर ब्रेवरी हैज ट्रेनर एंड डेट रॉकेट ऑन अ कोड डेट यू वर टॉकिंग अबाउट इन एम्प्टी मून, बट बिफोर डैट यू मस्ट रिस्पॉन्सिबलाइज फॉर योर डेफिशिएंट एफिशिएंसी इन द लास्ट मिशन, यू शुड नो डैट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द फॉसिल्स दैट यू लॉस्ट इज क्लोज टू 600,000 पोके डॉलर है कि 60,00,000 पोके डॉलर है, नहीं 600,000 पोके डॉलर ऑन ब्लैक मार्केट हैज़ अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज, एंड टू रेक्टिफाई दिस पोटेंशियल प्रॉफिट यू विल गिव ऑल फिजिक मनी डैट यू हैव राइट नाउ टू टीम रॉकेट हैज़ पनिशमेंट एंड लिल दी टेस्ट, यू हैव नो मनी, तेरी भैंस की टांग पे भूखा मर जाऊंगा मैं, क्या कर रहा है तू, अफेयर पे फॉर अ न्यू चांस इज़न्ट इट, आई विल प्रॉमिस यू डैट इफ यू कंप्लीट दिस मिशन सक्सेसफुली मनी वॉन्ट एवर अगेन टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज इफ यू डू इट इट वुड मीन सेइंग ह्यूज कॉस्ट फॉर अस, हैज यू शुड नो वी हैव ऑलवेज बीन यूजिंग वर्मिलियन पोर्ट हैज अ कनेक्टेड बिटवीन कांटो एंड फाइव आइलैंड, However, Kanto police are increasingly lurking and it is becoming more and more difficult and expensive to bribe sailors to import some things and soldiers from Five Island. Although of your intervention, silencing the council of there, it is just matter of time to they cut us off that way to there. So here starts your mission. We got some rumors about that bill. That stupid that just says Pokemon has a collectible stickers has developed a teleport system able to cover for distances. Your mission will be to visit him and his house on north of Cerulean City at Route 25 end and get that patent or all the information about that novel teleportation system. If you finally got that helpful information that our scientists could use to develop connection points teleportation via between
5 Island and Kanto could save millions of Pokemon on transport expenses. Here is the opportunity that I am giving you to rectify your fail on the moon. That's all for the moment. Bill will try to protect his patent at all costs. So you should be alert and keep strong your Pokemon to bring him under. Better your victory against Frank wasn't a lucky accident. Well, तो मुझे कम समझने की गलती मत करना बेटू. You don't know me. I'm really very strong. वैसे मैं strong नहीं, मेरे Pokemon strong है भाई. तो देखना पड़ेगा वो क्या करते हैं. अरे यार ये battles, ये लोग नॉर्मल लोगों से बैटल करते, टीम रॉकेट से बैटल करने की क्या जरूरत है भाई तुम्हें. लगता है मेरा लेवल अप कराने के लिए बैटल करेंगे. चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मैं सबको हरा देता हूँ. ये भाई मेटा पॉड, इसके पास सब बग है, सब के सब बग पुकने. 21 ओके. ककू ना आया, ये गया भाई. आओ और जाओ, तुम्हारा यही काम है. चलो यहाँ पे ये एक गया. अरे यार यहाँ में टोटल 5 लोग होते शायद से, जहाँ तक मेरे को याद है भाई. मेगा ड्रेन में गलत कर दिया भाई, मेगा ड्रेन करने लायक नहीं था यहाँ पे, एयर कटर मारना चाहिए था. बट कोई बात नहीं, हरा दिया मैंने पीजी को. ऑडी साइज को तो एयर कटर ही मारूँगा मैं. चलो बढ़िया, बेल स्प्राउट भी एयर कटर से चले जाएगा भाई. ये बढ़िया भाई, इनके लेवल कम है और मेरे लेवल ज़्यादा है. वैसे मेरे को कमज़ोरों को ट्रेनिंग देना है भाई, स्ट्रॉन्ग जो है पहले से उसको ट्रेनिंग देके, मतलब मैं हाउंड और 5 लेवल का है, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है. मैंकी को ट्रेनिंग देता हूँ मैं. मियाउथ का तो भाई 16-17 लेवल हो ही गया, तो फिर उसको ट्रेनिंग देने की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना मैंकी को देने की है. ओके देखो मैंकी भाई पिट रहा है यहाँ पे. फ्यूरी साइड मार, अभी अटैक मिस हो गया. सिट इसका रोल आउट बढ़ रहा है भाई, ख़तरनाक हो जाएगा ये. रुक जाए, इसको सर्फ मरा दो. बट सेंट्रल को ओके रोल आउट लगा भाई, गंदा लड़ा मैं. अरे नहीं नहीं शिट मैन, उसका रोल आउट काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो गया अभी. हाउंडोर तो फेंट हो जाएगा भाई एक ही अटैक में. ये रोल आउट भाई जितना ज़्यादा ये लगता है ना उतना ज़्यादा ख़तरनाक होता जाता है भाई. करट ये लो ख़त्म. 5 हुआ क्या भाई? 5वां हुआ रहेगा तो अपन जीत सकते हैं अभी. मेगा ट्रेन ओके बढ़िया भाई. चलो कोई दिक्कत नहीं, एक अंश आ जा भाई, तेरे को भी निपटाई दूंगा मैं. कोई दिक्कत वैसे है नहीं मेरे को तेरे से भी. मट स्लैब इस बार चले जाएगा भाई, फेंट हो जाएगा पक्की बात है. 13 लेवल का है बट फिर भी नखड़े कर रहे भाई. जाना यार, ये ट्रेनर में थोड़ा दम था ऐसा लग रहा है. ओके लड़की है कन्याकुमारी, इसके पास है एक फेक आउट मार भाई, नीडोरान. और नीडोरान अभी दूसरी बार नहीं लगता है फेक आउट. क्या यार ए बटन स्पैम करते करते मैं दबा दे तो पता ही नहीं चलता है. ये बड़ा अच्छा लगता है मेरे को भाई, यही बैटल में मज़ा आता है भाई. दबाते जाओ बटन, दबाते जाओ और सबको हराते जाओ. ओके ये आखिरी बंदा, उसके बाद एक है भाई फाइनल वाला. वो पता नहीं बैटल करेगा कि बातचीत करेगा, वही जाने भाई. फेक आउट मार और ये मार बाइट. ओके मैंकी फेंट और इसको भी हरा दे. चलो नॉट बैड फॉर अ रॉकेट, सो बैड दैट दिस चैलेंज इज नॉट फॉर यू. आई एम ऑल्सो रॉकेट. ऑल दिस थिंग ऑन नगेट ब्रिज इज़ फॉर रिक्रूटिंग दोज डम ट्रेनर्स ओवर देयर. थिंक दिस इज सम काइंड ऑफ सोशल इनिशिएटिव. हाउ डम यू आर गिवन अ मिशन, स्टील सम पेटेंट फ्रॉम बिल. हिज प्लेस इज एट द एंड ऑफ द सेरुलिन कैप एट द ईस्ट ऑफ रूट 25. आई होप यू विल सक्सीड कॉमरेड. नो वन इन टीम रॉकेट कांट स्टैंड बिल. ही इज एन इकोसेंट्रिक स्पॉइल्ड elitist that think about himself has a superior because he has some rare pokemons that only a few can afford. Bait him up on our part. यहाँ से भाई बच के जाना भाई बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज सारे बैटल्स अपन को करने पड़ेंगे भाई. ये बड़ी दिक्कत वाली बात है वैसे. ये खा भाई कराटे चॉप. ये लोग फेंट नहीं होते यार जल्दी. अरे यार मैंकी को मेरे को भाई ट्रेनिंग देना, वो खुद ही फेंट हो जा रहा है. कैसे ट्रेनिंग दूंगा यार उसको मैं. क्विक अटैक मार भाई. चलो सेंट्रेड को फ़ायदा मिला भाई. जियोडूड आया, इसको तो सर्फ मारना पड़ेगा. मैग्नीट्यूड शिट शिट शिट. ओके बहुत अच्छा, एक ही टाइम में फेंट हो गया. लेवल 13 हो गया, बहुत अच्छा. फ्यूरी स्वैप सीखना है इसको. फोर साइड को हटाओ, फ्यूरी स्वैप निकालो, मतलब सिखाओ. चलो यहाँ पे इस हाइकर को मैंने हरा दिया भाई. इस बच्चे से बच के एक बैटल में वो करनी पड़ेगी, तो बच्चे से करूँ. नहीं नहीं किसी से नहीं करना पड़ेगा. अरे यार ये ट्रेनर तो पकड़ ही लिया भाई इसने. वैसे अभी तो मैं बैटल छोड़ छाड़ के चले जाओ, बट बाद में आऊँगा तो मेरे को याद रहेगा नहीं मैंने किसको हराया किसको नहीं. और कोई ना कोई पकड़ के निपटा देगा भाई मेरे को. लेवल 19 में आउट का बहुत अच्छा भाई. ये कन्या से तो नहीं बच पाऊँगा भाई. चलो कोई दिक्कत नहीं, हरा ही देंगे, नहीं बचेंगे तो. बाइट गया ओके. एक और बस बस रन गया भाई. कौन आ रहा है भाई? जल्दी जल्दी आओ और जल्दी जल्दी फेंट हो जाओ और एक्सपीरियंस अच्छा खासा दे के जाओ, बस और कुछ नहीं चाहिए. चलो भाई इसको भी हरा दिया. अंकल छोड़ दिया करो यार, अंकल क्या है इतना भाई, इतने तगड़े तगड़े पोकोने आपके पास, आप छोटे जैसे बच्चे से भाई बैटल करते हो.
रोल आउट आता है ना तो मेरा दिमाग ख़राब होता है भाई, बहुत गंदा डैमेज देने लगता है धीरे धीरे। सेंट्रेट भाई उसको सर्फ मार यार बस। अरे यार उसकी स्पीड कैसे ज़्यादा हो गई भाई। जूबैड भाई निपटा दे इसको, फटाक से ना त्रिगुण निपटा देगा गारंटी वाली बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब कोई शक वाली बात नहीं थी इसमें। रोल आउट एक इतना ख़तरनाक अटैक है, अगर वो पाँचवा टेन है ना भाई सबसे ज़्यादा डैमेज देता है उसके पूरे अटैक्स में से, तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाती है भाई। जियो ड्यूटी है क्या इनके पास सब? अब बोरे मोलम रखते तो थोड़ा मज़ा भी आता है यार, सिर्फ जियो ड्यूट रखे हो। ग्रैवलर तो कम से कम, ग्रैवलर भी नहीं है भाई, ग्रैवलर लेवल 23-24 पे बनता है तो अभी मुश्किल है भाई इसे। ओहो भाई जूबैट इवॉल्व हो रहा है, बहुत बढ़िया। ओके ओके गोल्ड बैट बन गया भाई, बहुत ही बढ़िया भाई। फाइनल वर्जन प्रो बैट बट कुछ स्टोन वगैरह से होता है, तो स्टोन तो है नहीं अपने पास। अरे ये लड़की तो बड़ा ऊपर से पकड़ ली भाई इसको, मतलब ऐसा था कि बैटल करूँगी, मतलब करूँगी, छोड़ूंगी नहीं तुझे। अरे हाउंडूर तू कहाँ आ गया था भाई, एक पोकेमॉन बचा है बस, देख रहे हो भाई लिटरली ओनली वन पोकेमॉन। एयर कटर मार भाई, चलो इसको तो फेंट किया मैंने। पीजी आया इसको भी बाइट मार दे भाई, चल ओके ये भी गया। ऑडिस आया इसको भी एयर कटर मार दे। मिस हो गया यार, शिट काहे मिस होता भाई अटैक मेरा, समझता ही नहीं मेरे को कैसे मिस हो गया भाई। चलो बढ़िया यहाँ पे ओके, अपन बिल के घर के पास आ चुके हैं। ओके गाइस यहाँ पे हीलिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गई भाई, अब अपन जा सकते हैं भाई फाइनली बिल के घर के अंदर, लेट्स गो। चलते भाई अंदर और आगे अंदर। ओके दिस सिल्प इज फॉर, आई वॉज क्लियर इनफ व्हेन आई टोल्ड देम दैट आई वॉन्टेड द अपग्रेड फॉर माई पॉलीगॉन, द सूनर द बेटर, आई विल बी द फर्स्ट वन कम टू विद अ पॉलीगॉन टू द लेटेस्ट इन टेक्नोलॉजी। क्या बात है भाई, पॉलीगॉन ये हमेशा मतलब ये बिजी रहता है भाई। व्हाट काइंड ऑफ जोक इज दिस, गेट आउट ऑफ माई हाउस यू रॉकेट, आई डोंट मेक बिजनेस विद क्रिमिनल्स, आई हैव एवरी पोकेमॉन दैट यू कुड ऑफर मी, डोंट यू वॉन्ट माई पेटेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन, वेल प्लेड बट अनलकी फॉर यू। क्या अनलकी भाई, तू मेरे को हरा लेगा? अरे 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 भाई भाई भाई, तीन तीन पुलिस वाले भाई, बाबा रे बाबा रे बाबा। द इलाइट फॉर गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी ऑफर्ड मी, अरे इतने पैसे भाई, कितना है इसे भी, 2 करोड़ है क्या? 2 करोड़ है भाई, 2 करोड़ पॉकेट वॉलेट्स एंड लाइसेंस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग लेजेंडरी बर्ड्स, योर ऑर्गेनाइजेशन इज मोर डिकेंडेंट ओवर टाइम, वेर यू रियली थिंकिंग अबाउट अ सिंगल रॉकेट स्टीलिंग फ्रॉम द ग्रेट बिल द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ हिज ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस, दिस इज टू मच फॉर योर रॉकेट, गार्ड्स गेट रिड ऑफ दिस ट्रैश पाइल, आई डोंट वॉन्ट टू सी इट एवर अगेन। तेरी भैंस की टांग, आओ बे, यू आर अंडर दिस रॉकेट, यू विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर डेज इन प्राइजन फॉर अटेम्पिंग अगेंस्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ अवर रीजन, स्टिल रेजिस्टिंग, वेल देन वी विल नीड टू रिड्यूस यू बाई फोर्स, डू यू थिंक यू कैन बीट मी यू। मेरे को लगा था ग्रावलर होगा इसके पास, बट नीडरन देख के मैं पहले शॉक हुआ, बट चलो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है भाई, क्यों इनको भी हक है भाई दूसरे पोकेमॉन से उठने का, बट मेरे अटैक्स मिस होने का हक नहीं है भाई, काहे मिस हो जाते भाई तुम लोग गलत टाइम पे, दिखता नहीं तुमको पुलिस वाले से बैटल चल रहा है भाई। अरे अरे फेंट हो जा भाई, एक एचपी पे काहे बच गया भाई नीडरन। ग्रावलित आया ग्रावलित, बस यही तो देखना था मेरे को। नहीं यार टेक डाउन कैसे मार दिया तुमने, लेवल देख रहे हो भाई उसका। मियाँ पेड़े अटैक कब सीखेगा यार, पेड़े सीखेगा तब मज़ा आएगा थोड़ा। एम्बर आता है उसको, चलो आना भी चाहिए इतना ज़्यादा लेवल का था। देर वॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग योर पनिशमेंट इन केस ऑफ गुड बिहेवियर, नाउ यू विल बी सेंटेंस टू 2 life penalties बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट अथॉरिटी। अरे वाह, तुमको भी नहीं छोड़ूंगा मैं, भाषणबाजी नहीं देने का ज़्यादा बैटल। ए लो भाई पिकाचू आया, एक ही अटैक में चले गया, ये हुई ना बात, पिकाचू सपोर्ट कर रहा है भाई मेरे को, बोल रहे तो जीत जा भाई, टीम रॉकेट तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे हैं, ये बात पिकाचू। चलो ये बंदा भी गया। आई हैव सीन इनफ जस्टिस वॉन्ट सो मर्सी आफ्टर दिस प्ले ऑफ योर्स, देर वॉन्ट बी इवन अ जजमेंट। जजमेंट की ज़रूरत भी क्या है भाई, क्रिमिनल्स को ठोक देने का, ज़्यादा उनको पंचायत नहीं करने का, लेके जाने का, गाड़ी पलटा देने का, बस वही उनको समझ में आता है, बाकी अच्छी चीज़ नहीं समझ में आती। मेरे को कभी कभी लगता है ना लॉ कभी कभी ऐसा लगता है कि क्रिमिनल के लिए बना है, जो क्रिमिनल्स भाई लॉ का इस्तेमाल करके बच, मतलब सालों तक बच जाते भाई, या फिर उनको मतलब सज़ा ही नहीं मिलती यार, केस चलते रहता है, आदमी बुढ़ा जाता है फिर भी केस चलते रहता है, बुढ़े हो जाओ केस चल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। वॉट काइंड ऑफ जोक इज दिस, कम ऑन रॉकेट, डोंट रेजिस्ट दिस मच, यू एंड गेटिंग अवे विद दिस, कॉलिंग अप ऑल यूनिट्स, रिपीट कॉलिंग अप ऑल यूनिट्स ऑफ सरिलियन सिटी, वी हैव अ रोग रॉकेट कंटेन इन बिल्स हाउस, ही वॉज ट्राइंग टू स्टील अ पेटेंट विच इज वैल्यूड इन मिलियंस, द 3 ऑफ अस हैव फॉलन, वी डिमांड री इन्फोर्समेंट्स इमीडिएटली,
इट्स ओवर, आवर रीइन्फोर्समेंट्स आर ऑलमोस्ट हियर एंड योर टीम इज बीटन अप, वी एंड लेटिंग यू गेट अवे, डू हैज यू वॉन्ट, द ओनली वे यू विल बी लिविंग दिस हाउस इज डिटेन, डू यू थिंक यू कैन बीट मी, हट जा भाई, रुक जा मैं थोड़ा ढूंढ लेता हूँ कुछ, क्लिफेरी ओके, कैसे भागूंगा मैं, कुछ तो होगा यहाँ पे, चुरा ही लेते वैसे, अबे कंप्यूटर काम क्यों नहीं कर रहा भाई, कैसे चुराऊंगा इन्फॉर्मेशन, अरे यार इसमें घुस सकते हो क्या, क्या करना है क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अबे वैसे बिल नामक बंदा गया किधर, इधर कुछ, अच्छा ये क्या खुफिया चीज़, दिस पोस्टर सीम्स टू बी कवरिंग सम टनल डेट लीड समवेयर एल्स, वन अक्रॉस इट, यस, अरे ये जगह भाई, बिल्स गार्डन, इट इज़ नॉट अलाउड टू कैप्चर पोकेमॉन विदाउट एक्सप्लिसिट परमिशन फ्रॉम मिस्टर बिल, इसकी बहस की टांग, इट अपीयर्स दैट दिस चैंसी वॉन्ट्स टू हील यू पोकेमॉन, अरे वाह शुक्रगुजार रहूँगा मैं चैंसी, बुरे लोगों के बीच में तुम एक अच्छी पोकेमॉन हो, गलत बोल रहा हूँ वैसे मैं, बट ठीक है मेरे लिए तो अच्छी ना भाई, वेट ये क्या है, दिस पोकेमॉन अपीयर्स टू बी डिगिंग अ टनल टू एस्केप, हाँ भाई बहुत बढ़िया, तू मेरे तू टीम रॉकेट में होना चाहिए था, ये तो आम ना माइंड पे, दिस पोकेमॉन इज करंटली एक्सटिंक्ट, इट डजंट अपीयर टू बी इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, बिल का ये गार्डन बड़ा मस्त है यार, लेट्स सी और कुछ है यहाँ पे, पोकेमॉन से पकड़ने को मिले कम से कम, ये क्या करूँगा डोडियो में, ओके रैटाटा ही क्या कर लूँगा, चार लेवल का पकड़ के भाई, पीजी, अच्छा ये सब पोकेमॉन जो ओवर वर्ल्ड में दिख रहे हैं भाई, मतलब जो चलते हुए दिख रहे हैं उनसे सिर्फ आप तुम बात कर सकते हो, पकड़ नहीं सकते इन्हें, काइंड ऑफ ठीक ही है, टायरोग में बस एक ऑलरेडी फाइटिंग टाइप है, तो फिर दूसरा क्या करूँगा मैं, मैंकी प्राइमे बनेगा तो फिर खतरनाक हो ही जाएगा, तो दूसरा फाइटिंग टाइप की ज़रूरत ही नहीं है, पिंकाचू माचोक, अरे पॉली पॉली वाले की पॉली रहते वही जाने भाई, ये यहाँ पे तेरे को बताता रुक, स्पॉट राइट द रॉकेट, इट शुड हैव बीन मोर देन सफिशिएंट विद थ्री पुलिस ऑफिसर्स, परहैप्स माय मिस्टेक वाज नॉट हायरिंग 20 इंस्टेड ऑफ 3, एनीवे यू हैव नो वे आउट, इवन इफ यू डिफीट मी ऑल द पुलिस इन सेरिलन आर कमिंग, यू एक्टेड हॉस्टली हैस्टली, बट यू नो इट्स नॉट एग्जैक्टली नॉर्मल टू सी समवन चैलेंज एंड टेक डाउन 3 कॉप्स एट ऑल एट वंस, सिंस यू आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम रिफ्लेक्टिंग इन जेल, आई विल एटलीस्ट ग्रांट यू द ओनर ऑफ बैटलिंग विद मी, कंसिडर योरसेल्फ फॉर्चुनेट, नॉट एवरीवन गेट्स अ चांस टू विटनेस द ग्रेट कलेक्शन ऑफ बिल द नंबर वन पोकेमॉनिक, ओके भाई तेरे को बहुत घमंड है अपने पोकेमॉन्स पे, इसके पास कबूतर से भाई, इसके पास सारे रेयर पोकेमॉन है, लेवल भी अच्छा खासा है, धो डालेगा भाई मेरे को देख लेना, मैं भी धो सकते हैं उसको, अरे वाह विड्रॉ कर ले, अरे क्लिफेरी, क्लिफेरी को क्या मारूँ मैं समझ, इसका डिफेंस इतना तगड़ा है ना यार, इसको क्या मारूँ पता ही नहीं चलता यार, मियाँ भाई कैसे भी निपटाना है भाई फेकर, ओके बहुत बढ़िया भाई, अरे यार गलती से भाई ए बटन भाई कभी कभी गुस्सा आता है मेरे को, क्यों दबाते रहता हूँ, टटी नहीं आया इसको तो प्यूरी चॉइस मारूंगा, और एक और एक, अरे वाह बहुत बढ़िया है, यही उम्मीद थी मेरे को बस, कबूतो इसको भी मार भाई, अरे यार अटैक में सिटी यार, गंदा हो गया सीन भाई, क्विक अटैक मार तो उसको, अरे इतना कम डैमेज, शिट 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 सर्फ मार, अरे नहीं भाई, अरे यार उसके पास अभी पोकन अच्छे खासे, एयर कटर मार भाई, अरे चलो बढ़िया अभी अभी भरा, हाँ पॉरीगॉन भाई खतरनाक हो, फेंट ही नहीं होता यार जल्दी, क्या मारूँ मैं इसको, बाइट मारता हूँ, अरे रे रे ले जाएगा ये, ले जाएगा ले जाएगा ले जाएगा ले ही जाएगा, बिल सच में खतरनाक है, मेरे पोकेमॉन्स का लेवल कम है ना, फिर तो मैं इसको फोड़ दिया रहता तब तक यार, शिट यार, ओके गाइस फिर से जाना पड़ेगा मेरे को बिल के पास, चलो मैं थोड़ा ट्रेनिंग करके जाता हूँ भाई इस बार, ओके गाइस यहाँ पे ट्रेनिंग करते करते भाई मेरे को एक ऑडिश मिला जो कि मेरे को ठीक ठाक लग रहा था, मैं उसको पकड़ लेता हूँ भाई, मतलब ये काम आएगा भाई, लेवल 13 का है तो फिर मेरे पोकेमॉन्स के लेवल का बराबर का ही है भाई, वैसे जो कमज़ोर है मेरी टीम में, तो यहाँ पे मैंने ऑडिश को पकड़ लिया है भाई, एंड अब थोड़ी बहुत और ट्रेनिंग करता हूँ मैं, उसके बाद बिल से फिर चलेंगे भाई पंगा लेने, और फिर से भाई बिल से बैटल हो गया अपना स्टार्ट, और इस बार इसको छोड़ने का मेरा कोई भी प्लान नहीं है भाई, इस बार उसको तोड़ डालेंगे फोड़ डालेंगे, देखो मैंने मैंकी का लेवल 17 कर दिया भाई ट्रेनिंग कर करके, इसको मारते प्यूरी स्वाइप्स, अबे यार प्यूरी स्वाइप्स तो कम डैमेज दे रहे हैं, करंट चॉप ट्राई करते हैं, अरे वाह ये मेरे को तो पहले ही कर देना चाहिए थोड़ा, बट कोई दिक्कत नहीं, चलो क्लिफेरी आ रहा है भाई, क्लिफेरी का दिक्कत है थोड़ा, उसको अपन प्यूरी स्वाइप्स मारेंगे भाई, ओके ओके चार बार लगा बस बस, अरे यार शिट, चल भाई मियाँ तो उसको फेंट कर दे यार, और कोई चारा नहीं अपने पास, चलो इस बार भाई मतलब अपने मैंकी ने थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और यार अबे शिट यार ट्रेनिंग करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ऐसा लग रहा है यार, शिट भाई साहब
पॉरीगॉन ये मेन दिक्कत है सबसे बड़ा। इसको बाइट मारूँ? हाँ बाइट से ये भाई, अरे वाह ये भी, अबे 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 भाई 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 भाई, भाई साहब ले जाएगा, फिर से ले जाएगा लगता है यार। शिट यार, इतना सब करने के बावजूद यार शिट। ओके लेवल 15 हो गया, रिट्रीन ही है इसके पास, इसको हराना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। बट फ्यूरी साइस मारती है, ठंड रेवो की पैरलाइज किया उसने। अबे यार अटैक मिस हो तो, भाई दो बार अटैक मिस हो गया यार। शिट भाई, ले जाएगा ये, ले जाएगा पक्की बात है। एसिड स्प्रे, ओके ओके जीत सकते हैं, जीत सकते, वी कैन विन। ओके जीत गए भाई, फाइनल 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 भाई। ऐसा लग रहा था हार जाऊंगा भाई, बट जीत गए। ओ भाई सेंडर डिवॉल्वर बहुत बढ़िया, फुरेट बनेगा ना ये? हाँ ज़्यादा मेरे को पता है। ओके फुरेट बन चुका है भाई। चलो संजय स्टोल द पेटेंट। मिस्टर बिल, वी इन्फॉर्म यू डैट वी हैव कम्प्लीटली सराउंडेड द सेड ऑफ योर सीक्रेट गार्डन, डैट रॉकेट हैज़ नो वे आउट, कूल जस्ट स्नैच द पेटेंट बिफोर यू टेक हिम। वेल डैट्स इट, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, योर ओनली वे आउट इज टू लीव एंड गिव अप, एन्जॉय योर लास्ट मोमेंट विद द पेटेंट। तेरे के तो बताऊँगा रुक जा मैं। वेल डैट्स इट, ओके कंप्यूटर में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, इट्स ऑल कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स एंड नंबर्स दैट मेक नो सेंस। तो वो कैसे पढ़ रहा है वे? अच्छा वो स्मार्ट ही बोलना चाहता है तू, बेसिकली बेइज्जती कर रहा है मेरी। मैं भी स्मार्ट हूँ भाई, खुल जा भी। क्या 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 संजय बूस्टेड ऑफ द पीसी, विच पीसी शुड बी एक्सेस। कुछ है क्या मेरे पीसी में? कुछ नहीं, मेरा पीसी पूरा खाली पड़ा है। और कुछ? व्हाट द हेल यार, यू आर अंडर अरेस्ट रॉकेट, यू हैव कमिटेड मल्टीपल क्राइम्स एंड रजिस्टर्ड अगेंस्ट अथॉरिटी, नाउ गिव अस बैक द स्टोलन पेटेंट। टू बैड दैट दिस हैज टू एंड लाइक दिस, यू शुड हैव बीन इन्फॉर्म अबाउट द कंसिक्वेंसेस ऑफ मिसिंग अप विद बिल इन दिस रीजन, इट्स अ शेम दैट इन अ लाइक यू एंड अप लाइक दिस, योर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जीक्यूटिव अरेंट हैज गुड हैट मेकिंग डिसीजंस, हाउ इज द फीलिंग ऑफ बींग सेंट टू डाई बाई योर ओन सुपीरियर्स, इट्स ओके इन द एंड यू आर जस्ट अ बंच ऑफ मोर एंड लेस थीव्स विद नो क्राइटेरिया, नो क्राइटेरिया, नाउ यू आर अलून। यू आर रॉन्ग बॉस एडमिन अर्च, आई कुडंट प्रिवेंट माई सेल्फ फ्रॉम हियरिंग सम अटैक्स अगेंस्ट अवर ऑर्गेनाइजेशन, हैज यू कैन सी आई एम हियर, यू आर रॉन्ग, इन टीम रॉकेट वी नेवर लीव अलून एनीवन हू डिजर्व्स इट, लैक ऑफ प्रिंसिपल्स, थीव्स, I am afraid that terms are not being enough to describe what you have doing to the region. Detain both of them. Do not let them escape. Skarmy, use fly. Oho, ye baat bhai, ye baat president, ye baat bhai, jo bhi tu tha bhai, ye baat bhai, bahut badhiya bhai, maan gaye tere ko. Ye hota hai na archer bhai, apne admin wahan se aaya bhai, kya bolte, Chrono Island se aaya bhai, apne liye. It's inadmissible petrol. ओके अबे ये तो यहाँ पे आके इससे पेट्रोल से बात कर रहा है, क्या बात है। यू शुड नो डैट बिल इज द स्पॉइल चाइल्ड ऑफ दिस रीजन्स एलाइट, अ पर्सनल गार्ड इज ऑलवेज वॉचिंग हिम फॉर हिज सिक्योरिटी, हैज इफ डैट वी आर वेर नॉट इनफ सर्विलेंस सिटी पुलिस, प्रायोरिटाइज हिज प्रोटेक्शन अबव ऑल, इट वॉज रेकलेस टू सेंड वन ऑफ अस टू स्टील समथिंग ऑफ दैट इंपॉर्टेंस इन दिस वे, फॉर्चुनेटली फॉर अस आई कुड रेस्क्यू संजय एट द लास्ट मोमेंट, सो द पेटेंट विल लेट अस सेव मिलियंस ऑन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स। संजय intervention, defeating some police, getting the patent and being able to hold it until the last moment has been determined for successfully completing this mission. You are right Archer, I need to apologize to you Sanjay, I wasn't conscious about the risk that you were in and I should have supposed that a person like Bill will be protected, they told me that you are a good trainer and I estimated that your level were enough to defeat that blackguard, but I didn't accept with intentious police reaction. How did you know about this mission, Archer? I thought that you still are the person in charge at our bases on Civi Islands. Indeed, Petrel, but Andra realized about the mission and phoned me immediately. My skarmie did all the best, although what has been seen, maybe there is no need to do more use of fly. Archer, alright, I will head out. There is a lot of work to do on islands. Petrel, I hope you reward these two grunts. Their accusation from now will save us an appreciated time and million poke dollars. Don't overrate yourself that I saved you for feeling special predilection to you. You are just an appreciated asset for our organization and you acted according to our moral values. That's good enough. I will see you too in the next events. Archer is the efficiency personification. That's why he is the highest rank admin on Team Rocket. As for you, I apologize again, especially with you, Sanjay. Many thought that in Five Island there were only weaklings and incompetent Rocket. You have proved that it's not true. Because your high performance and loyalty showed to Team Rocket, now you both are ascended. You go from being common grunts to high rank grunt. Oh, bhai, this will
give you the chance to lead some missions as Frank did with you on Empty Moon. Also, it gives enough rank to assist exclusive meetings with our leader Giovanni. He has access to certain privileged information, but this is at its own time. भाई अपना रैंक यस 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 भाई अपन भाई फाइनली चलो एक पोजीशन ऊपर जाएंगे. संजय गॉट असेंडेड टू हाई रैंक ग्रंड. नाउ यू आंड्रा. ओके कपड़े चेंज होते क्या भाई अच्छा रैंक के हिसाब से. टू सेलिब्रेट योर न्यू स्टेटस हियर एंड हैज पेमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ योर रिस्पेक्टिव मिशंस हियर आर योर रिवॉर्ड टू यू संजय गिवन द सेविंग्स दिस पेटेंट विल ब्रिंग एंड इन कंपनसेशन फॉर लिविंग यू अर्लियर एट जीरो पोके आफ्टर द एम्प्टी मून मिशन यू गेट द फॉलोइंग. ओके 125,000. ओके भाई फॉर यू आंड्रा योर वार्निंग टू आर्चर वॉज ऑल्सो क्रुशियल एंड यू कंप्लीटेड द टास्क आई गेव यू इन वर्मिलियन सिटी इन यू केस द टोटल रिवॉर्ड इज 75,000. ओके चलो सो नाउ आई विल टॉक टू यू अबाउट योर नेक्स्ट मिशन. यू नो यू बोथ नो अबाउट SSNE डोंट यू. या डेट फेमस ट्रांसलैंटिक दैट जस्ट अराइव एट मोबिल इन हार्बोर. Indeed, it is a tradition to celebrate a big party on the cruise before her final farewell from Homilian. I don't want you to take advantage of that moment and steal some Pokemon nether merchandise. What I will order you is much smaller and its value is higher than all that. It is a jar. A jar? As a Sunny's captain has traveled through many regions all around the world for the last 3 decades, in one of his journeys, while he was in some kind of desert island, he found something that seems like a singular Pokemon fragment that does not match with any other Pokemon that we know. We know that Champion has that fragment on his jar. He already showed it in a lot of interviews and always keeps it with himself. You will enter his cabin and steal it by force. You have no other options, so that's why I ordered you to for this mission. So how would we infiltrate into the ship? As I know, without a ticket, Shrillers will not let us enter. I already prepared an evasion move, a bit rudimentary but works. Your partner will be waiting for you on Vermilion Harbor. Don't worry about how to distinguish him, you will recognize him immediately. You should know this mission is an express request from Giovanni. Our leader thinks those fragments could be part of a legendary Pokemon extremely powerfully and he doesn't want to lose the chance to get the jar and investigate it before SSNE disappear from Kanto until next year. We will do it for sure. I trust in you too. You have shown great skills in fights. That captain has a great experience from getting flagged on all around world seas and his Pokemon will prove it. You shall keep your Pokemon strong to unharm him. Do not doubt it. That's all. Hurry up. The sooner you arrive SSNE, you will have more time until it sets sail. Good afternoon. Let's do this, Sanjay. The SSNE is us. Chalo. Main kapde badle aise dekhna padenge. Badle hai bhai. चलो भाई अपना प्रमोशन हुआ है इसी बात पे पार्टी तो बंदी है मगर किसको दू पार्टी वही तो दिक्कत है. आंड्रा चली गई ऑलरेडी. लेट्स बाय अ पोकेमॉन. पैसे मिले अच्छे खासे. अच्छा ये पोशन वाला है क्या यार तू बेचता ना. रैटेट आप पकड़ सकते हो. मैं कि मैंने खरीदा था कॉफिंग क्या करूँगा मैं. आई थिंक मुझे वॉल्टॉप खरीदना चाहिए. क्या बोलते हो गाइस. कॉफिंग वॉल्टॉप कॉफिंग वॉल्टॉप वॉल्टॉप. चलो पैसे मिलते तो खरीदो ना यार. ये भी गो ऑल यू पोकेमॉन आर इन शेप अगेन. ये हील करती है क्या. चलो बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं. चलो अब अपन चलते भाई. आ चुके वर्मिलियन सिटी और ये रहा भाई शिप का रास्ता. लेट्स सी द बंदा जिसके बारे में बात हुई. ओके आंड्रा आइए. एनी सिग्नल अबाउट अवर सपोज वाइल्ड गार्ड टू एंटर SSNE. द सिचुएशन सीम्स टू हैव इम्प्रूव अड लॉट फॉर अस सिंस एम्प्टी मून फेलियर. इट वॉज जस्ट अबाउट टाइम फॉर देम टू रिकोगनाइज योर स्किल्स. नाउ वी आर हाई रैंक क्रंट्स. यू नो वॉट इट मीन्स डोंट यू. दे विल असाइन अस मिशंस दैट आर मोर इंपॉर्टेंट सो वी विल बी एबल टू मूव बिटवीन द फर्स्ट फेसेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. दिस डजंट सीम लाइक अ कन्वेंशनल मिशन. डिड यू सी अवर फेसेस व्हेन वी न्यू दैट Giovanni हिमसेल्फ ऑर्डर दिस मिशन. वॉट एवर दैट विल कंटेन दैट कैप्टन्स जार. वी विल फाइंड इट. आई वंडर इफ यू विल एबल टू सी Giovanni हिम्स. यू शुड बी द हाई रैंक ग्रंट्स सेंट बाई आर्चर एंड यू एंड डीड. सो हु आर यू. इसका नाम टेट शो one of the Kanto motorist association bases but it doesn't care right now. Hey look, I will tell you too what are we doing going to do. I had search about this guy and I found he loves marine pokemons. If I'm able to hurt him about his presence, I will get his attention enough time to be able to enter the SSNE. matlab ye uska dhyan bhatkayega main ghusna. simple sa baat hai bhai. when I order you to, you will go ahead and quickly enter the ship, leaving all the rest in my hands. That's you. Hey, you. Yeah, you. I don't know why you are wasting your time in a place like this. Dedicating your life into water-type Pokemons that are useless and just hindrance. Damn it. Those tentacles. They are just there to ruin our spring.
What did you just say? How do you dare poison type Pokemon's lover? If you didn't know, Tentacool is a poison type too. Yeah, I know, but real poison type Pokemon like Weezinger or Golbat know how to deal with their worst enemy ground types, Tentacool, and Tentacool counterwise can't fight against them back. They got contaminated by the worst type of all, the water, which means they are out from all virtues that a real poison would have. Water type just intoxicates the rest of types. I won't accept that you talk about aquatic Pokemon in that way. Dirty motorist, corrupted by the toxic smell of his Weezings, I will prove that you are wrong. Now, Sanjay. Okay, let's go. Andra bhag chukiya ban bhi aage. Kya idea tha bhai, kaam kar gaya. It was easy to understand, then it seemed. Most of these luxury cruise passengers are not from Kanto. That will give us some advantage of going unnoticed and capturing and entering captain's cabin with no suspicions. Once there, we will identify the jar and we will take it. Let's go. ऐसे देख रहे हो डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है पानी में गिर जाऊंगा भाई, शिप के अंदर चढ़ा कैसे मैं? कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा, एक मिनट, ये तो रास्ता ही ब्लॉक करके रखे लोग ने। पॉलीवेल बबल बीम, भाई ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग यार? अंकल स्नोलैक्स, स्नोलैक्स का ही दिखा रहा था भाई, बात ही पड़ी नहीं मैंने उसकी। बड़े लोग यार यहाँ पे इस शिप में, फायरेड में तो इतने लोग नहीं होते भाई। वेट मिनट, ये तो ब्लू है ना। These parties are always so boring. I came here so I could fight against everyone's Pokemon, and I ended up finding the usual Rattata, Pidgey, Nidoran. Even the sailors have Tentacool as best. I feel scammed. You are the rocket that I gave a fossil on empty moon. I won't ask you why someone like you is in a place like this. I guess that you ended in an illegitimate way, but honestly I don't really care. Yeah, baat bhai, itna attitude mujhe bahut pasand hai bhai. On empty moon, I turn a blind eye to the mediocrity of you rockets, but you dared to give me moral lessons. You know what that means, don't you? It is time to see if you are just one of more of the pile or if you have something to say. On guard rocket, let's go bhai. Ye baat hai bhai, blue ko harayenge aur dekhenge. Are yaar, iske paas tagde pokemon hai, pokemon ke level bhi zyada hai iske. Ye dikkat wali baat hai waise. Are yaar, ye dikkat wali baat hai aur hai bhai. मार भाई इसको, बाइट मार दूँ, एयर कटर मार, बहुत अच्छा। कड़ाबरा आबरा कड़ाबरा कड़ाबरा, इसके पास कन्फ्यूजन अटैक है जो कि इफेक्टिव है अपने ऊपर, तो उसको पहले फेंट करना पड़ेगा यार। नहीं 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 नहीं, अरे यार बाइट मार, इसको बचना नहीं है। ओके चलो, गोल बैट ने अपना काम बखूबी किया भाई, उसने दो पोकोन को फेंट किया है। चलो ये बढ़िया बात है। 75 का डैमेज देगा स्विफ्ट, क्या डिलीट करूँ मैं, मड स्लैप हटा देता हूँ। चलो कौन है, ब्लास्टर से क्या, रैटिकेट है, सॉरी रैटिकेट के ऊपर भी मैं मारता हूँ एक कटर। अरे वाह, एक ही टैग में यार फेंट होते तो बच गया, कोई दिक्कत नहीं। और इस एसिड स्प्रे, हाइपर फैंग, नहीं 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 भाई, ऐसा ना करो भाई, तुम बर्बाद कर दोगे भाई तुम हमको। अगर मैं हारा तो सीधा पोकेमॉन सेंटर जाऊँगा, जो कि बहुत बुरा लगेगा मेरे को यार। वो टोटल आ रहा है यार, अब ग्रास की ज़रूरत थी, मगर ग्रास ऑलरेडी फेंट हो रखा है भाई। मारते क्विक अटैक बिकॉज वो तो ओके। चलो यहाँ पे बैटल काफ़ी तगड़ी वाली हो रही है, फ्यूरी शॉट स्ट्राइकर तो, अरे वाह उसका, चलो टकला नीचे किया है उसने। अबे यार अटैक मिस हो गया, शूट भाई शूट मैन, ये बहुत बुरा हुआ भाई, अटैक मिस हो गया मेरा यार, शूट। फेक आउट मार भाई तू, ओके एक बाइट मार, ओके एक और बाइट मार, एक और मार के जाना भाई। ओके बहुत बढ़िया, अपन जीत चुके भाई, बहुत अच्छा। वैसे मियोथ इवॉल्व कब होगा? सीरियसली आई जस्ट लॉस अगेंस्ट रॉकेट, 2800 रुपये दिया इसने मेरे को। सो यू आर नॉट अ सिंपल रॉकेट, अ हाई रैंक ग्रंट, यू से टू मी यू ऑल लुक द सेम, एनी वे यू आर द ओनली वन हु वॉज एबल टू डिफीट मी बिसाइड्स दैट ही क्रेड। ओके भाई, आई विल कीप एन आई ऑन यू फ्रॉम नाउ ऑन, आई विल टेक अ लुक अराउंड फॉर द कैबिन्स इफ समवन एल्स इज अ वर्थी अपोनेंट, बट आई डाउट दैट। चल भाई, मैं पोकेंस का क्या हाल हो रखा है, सब मेस्ट अप होके रखे भाई। मेरे को यहाँ पे एक हीलिंग स्पॉट पता है, बट पता नहीं मेरे पोकेन को हील करेगी कि नहीं, क्योंकि ऐसे सानी में भाई एक बंदी होती है जो हील करती है इस कमरे में साथ से। अरे अंकल आप थोड़ी थे भाई, वो यार कमरा ही भूल गया मैं फ़िलहाल, वो दिक्कत है। चलो कोई ना, अरे यार सॉरी देखता, अबे यार फेंट मत हो जाना भाई, क्या किस्मत है मेरी भाई, जब किस्मत हो पांडु तो क्या करेगा संजू भाई। ओके इसका लेवल 6 हो गया, फिर भी कुछ नहीं होगा भाई, इसके पास 18 लेवल की पोकन है, एक अटैक मारेगा इसे सो जाएगा भाई मेरा सब पोकन। अरे यार शिट, चलो कोई दिक्कत नहीं, हील करा के आता हूँ मैं। ओके गाइस, यहाँ पे एक बार फिर से मैं आ गया भाई, जहाँ मैंने ब्लू को हराया था, एंड मेरे पोकन सब हील अप हो गए भाई। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं भाई,
वेटर वेटर नहीं हूँ मैं यार, क्या तुम भी वेट मिनट, इट इज़ अ प्लेजर टू सी यू अगेन लांस द न्यू कांटोस चैंपियन, व्हाई डू यू कॉल मी हियर ऑन अ स्पेशल डे लाइक दिस द एनुअल रिटर्न ऑफ एसएसएनई, आई विल बी क्विक एलटी सर्च ऑल मेजर सिटीज आर बीइंग सब्जेक्टेड टू इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल रूटीन्स टू गारंटी द सिक्योरिटी एंड कम्फर्ट ऑफ आवर सिटीजन्स एंड एंश्योर दैट द मशीनरी दैट मूव्स दिस रीजन वर्क्स करेंटली, हाउ आर द पीपल ऑफ फॉर्मविलियन सर्च, सब ठीक ही होंगे वैसे भी उसका डोले सोले देख के वैसे ही क्रिमिनल्स भाग जाते होंगे, एवरीथिंग इज गोइंग करेक्टली सर लांस, वर्मिलियन हार्बर एक्सपोनेंशियली एम्पलीफाइज देयर कॉन्टैक्ट नेटवर्क्स विद अदर रीजन्स एंड आई हैव अंडरस्टूड दैट अदर सिटीज लाइक सेलेडॉन विद देयर बिग डिपार्टमेंटल स्टोरर्स फ्यूशिया विद द सफारी जोन डू द सेम विद देयर ओन असेट्स, ऑल दिस इज अ ग्रेट सर्ज, आवर रीजन्स इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड अपटर्न एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज हायर, बट दिस इज़ नॉट द आंसर आई वॉज एक्सपेक्टिंग सर, आई वॉज वंडरिंग हाउ आर पीपल मैनेजिंग द फैक्ट दैट वन ऑफ द ऑफिशियल्स इन चार्ज एट द एनिमी रीजन ड्यूरिंग द बिग वॉर नाउ इज द जिम लीडर एंड वर्मिलियंस मेन आइकन, हाउ पीपल ऑलरेडी एक्सेप्टेड योर रोल, अरे भाई आई एम अफ्रेड दैट द वॉर टॉपिक कीप्स बींग टैबू टॉपिक फॉर द एंटायर कांटो एंड स्पेशली हियर सर लांस, पीपल प्रीफर नॉट टू टॉक अबाउट इट, कीप इट इन द पास्ट एंड कंटिन्यू देयर लिव्स as if nothing happened, maybe there will be some mistrust from some population sectors, are you referring to Team Rocket, I was not talking about someone specially but they could be a perfect example, they started as a protestant and non-conformist organization for the new post-war government, due to the criminal acts and a correct disprestige campaign by our government caused that public opinion to Team Rocket to be bad, though still exist some girls that support them and feel identified with their patriotic feeling, as example motorists from cycling road, I see the Pokemon League committee will take some actions about this, meanwhile keep doing your job and maintain order and discipline in Vermilion, if people keep seeing improvements they will definitely accept you as their police sheriff, people have short memories and good actions can overshadow the wrong ones for them, so be patient, we just need time, adequate stabilization and progression, Kanto will accept this new world order almost without noticing, at your order sir Lance, that's all for now sir, I hope you have fun at this party on SSNE which is one of the best progress indicators, okay bhai Lance, this sort of parties were never my thing, Electabuzz used teleport, what the hell Electabuzz used teleport, tumhe lagta hai Electabuzz teleport seekh sakta hai, kuch bhi yaar kuch bhi, am I in dream? I had the honor to see the majestic and legendary Lance Dragonite overflying the SSNE. Well, Lance की अलग ही जज्बे भाई. Okay, यहाँ पे clear out हो चुका है सब. यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेनर्स हैं जिनसे बैटल करने लायक है बट ओके आंड्रा पहले से भाई. संजय, इट इज़ ऑलरेडी विंटर, लेट्स टीच दैट कैप्टन हाउ वी कॉप हियर ऑन कांटो. लेट्स गो. कैप्टन कैप्टन, इज देयर एनीथिंग आई मे डू फॉर यू यंग वंस? Indeed there is, Captain. It's said that you have sailed around the seven seas. You are a legend among sailors because of the rare Pokemon that you have seen. We were just wondering if you could give us proof of all those voyages by letting us take a look on the famous jar of yours, which contains one of the biggest mysteries of our world. You mean this? Whoa, it is enigmatic. Sure it is, young one. The Pokemon that left this fragment is not as anything that we have ever seen. Have you heard about the pseudo-legendaries? Legends? Not so much, Captain. I suppose that in this region you can see Lance Dragonite, for example. Those Pokemon that, without being born with the features which legends are gifted with by nature, are able to grow and develop so that after a long process their capacities are as high or more than legendaries. Pseudo legendaries Pokemon usually represent the region nature, keeping stored inside themselves that essence gave by their reason which will allow them to reach their whole potential. Pokemon chosen among the mortals who are gifted with the opportunity of entering divine terrain, that is what defines a pseudo-legendary. All the scientists that have researched about the Pokemon that this fragment belongs to say that they have many of the features that define a pseudo-legendary but also says aspects of pure legendaries. It's a unique case. It's impressive, you look like a really cultured man and you may have more than 1,000 stories to tell. And you two look like two younglings who want to learn. I'd be glad to teach you anything, nevertheless. I know who you are and why you are here. A crew member warned us about a certain organization that answered to the name of Team Rocket, and your clothing matches exactly the description. You know, among all the seas and highways sailed across, Hoenns are with no doubt the weirdest, wildest, and with the
hugest diversity, but those were the only ones that could give me a true feelings of freedom. The feeling of knowing that you are far, far away from the Dan corruption, a paradise gifted by nature with millennia of history still to be discovered. And now you came to tell me that two criminals who came from a region whose water is polluted by the power plant and the cycling road are coming to steal from me an unique item that reflects my labor as a sealer for the last 30 years. Oh no, you don't have an enough level nor experience to do such thing. I'm sorry, Captain, but I disagree. Their aren't seas has heavy islands, which are truly enigmatic. ये बात तो सही बोला भाई, सेवी आइलैंड्स मतलब इतना भाई इतना बेहतरीन है, तुम गए क्या उधर कभी? वेल आई विल एडमिट यू हैव अ गुड टेस्ट, आई सपोज डैट बोथ ऑफ यू कम फ्रॉम देर एंड यू मे बी राइट. सेवी आइलैंड्स इज अ प्लेस डैट आई स्टिल हैव टू फुली एक्सप्लोर. आई हैव हर्ड डैट अमंग द वाटर्स डैट कनेक्ट दो सेवन आइलैंड्स देर आर फ्यू पीस ऑफ आइलैंड्स नॉन एक्सप्लोर बट इनहेबिटेड बाई सर्टन ट्राइब्स एंड हैज इफ इट वॉजेंट इनफ. टाइपोग्राफिक मैप सजेस्ट डैट देर मे बी 8-9 or maybe 10 islands on the surroundings. The name Sevi is just a formality due to the fact that only 7 islands are inhabited. But let's stop talking about geography. This is not a class. I'd be glad to keep talking for the rest of the day, but unluckily for you, you have come here to steal me something that I appreciate, and I won't let that happen. Silas, you take care of the girl. Don't bother. It's me who's gonna take care of you. I will take care of you. Got any idea of what will happen to you? Sure, don't. Vile scoundrel. Your poking won't be able to scratch even a little my precious crew, which have been trained in the sea for years. I will cut you in half and serve what's left of you in the boss party. Dialogue काफ़ी अच्छा, हमारा battle भी हो जाए अब. चलो यहाँ पे fury swipes करते भाई. भाई 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 इसका poking खतरनाक है भाई ये. Sidra really really powerful. ऑडिस को निपटा रहा है भाई ये तो. अरे पोकेमॉन्स का लेवल कम है यार, वो दिक्कत वाली बात है सबसे बड़ी वाली. आई थिंक ये इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है तो फिर ठीक बात है, वरना तो फिर बात बिगड़ जाएगी थोड़ी सी भाई. अबे यार अटैक मिस हो गया भाई. प्यूरी स्वेप्स पॉइजन. अबे यार पॉइजन कर दी उसकी एबिलिटी. क्रॉड एंड डायरेस्ट के पास सारे वाटर टाइप पोकेमॉन है. मैंने वॉल्टॉप खरीदा था बट वो मेरे पीसी के अंदर गया है शायद से. मार मार मार. नहीं नहीं फिर मत मारो. मियोत यार क्या कर रहा है यार मियोत. गाइस लगता है मैं हार जाऊंगा यार सच में, मगर जब तक गोल बैट जिंदा है तब तक टेंशन वाली थोड़ी कम बात है, बिकॉज गोल बैट अपने को जिता सकता है यार. प्यूपिटार आया है 21 का है ये. ओ एक ही टाइम में फेंड हो गया ये बात भाई, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं लग रही. शेलगोन है भाई ये भी खतरनाक है. स्टील टाइप ये खतरनाक है भाई. ये दिक्कत देगा एयर कटर. नहीं देगा दिक्कत अब. आप तो उसको फेंट कर देंगे भाई. एयर कटर काफ़ी अच्छा डैमेज दे रहा है और ये फेंटेड बहुत बढ़िया भाई. चलो डिफीट कर दिया भाई हमने. मेरे को तो लगा था मैं हार जाऊंगा बट जीत गया भाई. गोल बैट फिनिश दिस फिंगर टैक. आंडर टुक द जार फ्रॉम द कैप्टन. दिस कांट बी हैपनिंग माई क्रू. यू मेड फन ऑफ देम. यू मेड देम लुक रिडिकुलस एंड यू आर जस्ट टू यंग ग्रंट्स ऑफ अ लोकल गैंग. हाउ डिसऑनरिंग. हाई रैंक ग्रंट्स कैप्टन. आई हैव रिस्पेक्टेड योर रैंक सो प्लीज डू द सेम विद अस. ये बात ना भाई, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट. ये बात सही बोला. मोर ओवर वी आर गोइंग टू मेक गुड यूज ऑफ दिस जार. वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द डैन पोकेमॉन दैट मैचेस विद द सेम सैम्पल इंस्टेड ऑफ लिविंग इट फॉर बींग वॉश टिल द एंड ऑफ टाइम्स फॉर रिमेंबरिंग योर गुड ओल्ड डेज. डोंट टेक इट पर्सनली. वी विल बी सेंडिंग यू अ लेटर विद द रिजल्ट्स ऑफ आवर रिसर्च. इज इट ओके. दैट इंटेल मे बी वर्थ फ्यू मिलियन बक्स. यू इंसोलेंट यंग वन. नो वन इज गेटिंग आउट ऑफ हियर. Tentacle, use poison sting against the captain. Cool. My head, damn you. You poison me. Captain, you okay? Sanjay, now this is a perfect moment for us to flee. Let's go. Bhago. Kahin red na jaye. Lance hi na tapak jaye, bhai. Let's go. We did it, Sanjay. That captain was a rock. I have never seen poken like those. This will be from other regions. Anyways, we have that relic. Notice to all ship's crew. Party finished. Please everyone go back to the cabins to facilitate stuff, cleaning tables and other things. We better go away now. By the way, I found a lot of this on the captain board. I'm sure it will be helpful for you too. HM1 Kurt. See you in the headquarters, Sanjay. Okay. No one can enter the dock without any consentment. Rocket, go away from here. चलना भाई मेरे को कौन सा भी, मेरा काम हो गया अब तो कुछ भी बोल मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वैसे मैं सोच रहा था अगर जाने दे तो भाई वहाँ पे ट्रेनर्स लोग थे शिप के अंदर, उनको हरा के थोड़ा लेवल अप कर लेता, बट कोई दिक्कत नहीं. चलो एक बार फिर से मैं बेस में मिलता हूँ आप लोग से.
अरे भाई यहाँ पे भाई अभी मैंने देखा कि रेड गया, बट मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी थी तो वो सीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। वो फटाफट से एक तो स्पीड भी था तो फिर रेड गया अभी भाई शिप के अंदर, एंड वो सीन भाई रिकॉर्ड नहीं हो पाया बिकॉज यार दिक्कत हो गया। मेरे को पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हील करा लेते तो एक बार वो कोइंस। रेड अभी एसएस एनी के अंदर गया है रेड, ठीक है, तो फिर वो सीन मैंने रिकॉर्ड नहीं हो पाया भाई। छोड़ो कोई दिक्कत नहीं उसमें, आप लोग देख लेना। चलो यहाँ पे मैं चलता हूँ बेस के अंदर, मिलता हूँ। ओके गाइस, यहाँ मैं बेस के अंदर आ चुका हूँ, जैसे मैं यहाँ पे भाई सब लोग इकट्ठा हो गए। संजय डिड यू नोटिस सीम प्लेंग्स लांस इज गोइंग टू डू एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, दे आर ब्रॉडकास्टिंग इट ऑन द टीवी, वी आर मिसिंग इट। ओके अबे एक मिनट, लांस इतना ऊपर क्या कर रहा है भाई, गिरेगा, हड्डी उड्डी टूट जाएगी यार। पॉपुलेशन ऑफ कांटू, दिस इज लांस स्पीकिंग, नाउ मेसेज आर कमिंग फॉर द रीजन एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लिसन केयरफुली फ्रॉम योर होम्स वर्क प्लेस और वेर एवर यू आर मे बी। Despite the improvements in recent months, there is still much work to be done before opening up us to the rest of the world. Sevi Hoven Joto can wait, but you don't need to worry. Silp is more than enough to supply all of Kanto population. That's why I grant full authority regarding trainer items. They will all depart from their headquarters in Saffron and be distributed mostly at the Celadon departmental store. Small business that could compete are strictly prohibited, as they interfere with the region's general interest. On the other hand, I have been informed about a criminal band identifying themselves as Team Rocket. Their presence is becoming more noticeable and their criminal activities are hindering the region's advancement. If that is not enough, certain sectors of the population even support them. The law will face anyone who assists, sympathize with or conceals any information about this gang. Since this moment, all the marts at the region are totally forbidden for every Rocket. Everyone who will dare to sell any product, provide resources or to carry out any type of economic deal with the Team Rocket will be severely punished. And trust me, if it weren't for the moral code of nurses, I wouldn't feel the slightest pity is also forbidding them entry to any Pokemon Center. In counterpart, anyone who provides us with information or even captures members of the organization on their own will be rewarded. If the Team Rocket insists, the Elite Four with Lance in command will need to take actions on the matter and will have no mercy with the That's all. If we row in the same direction, this region could restore its old shine in a few years. Rocket hideout. मेरे को एक बार समझ में नहीं आ रहा है, लांस इतना ऊपर से कैसे निकला, वो हम भी कुछ क्या उसके लिए अलग से जगह बनाया गया है भाई क्या चैंपियन लोग के रहने के लिए? मेरे को तो आज तक नहीं जाने को मिला, मैं इतने बार चैंपियन बन चुका हूँ। दिस इज ऑफुल, वॉट आर वी गोइंग टू डू नाउ? मेरे को एक बात समझ में आया कि भाई वो पोके मार्ट से अब आइटम्स वगैरह अपन नहीं खरीद सकते, बट हीलिंग के लिए शायद ऐसा नहीं है बिकॉज नर्स जो है का भाई मोरल है कि वो मतलब अपना वो भाई नहीं तोड़ने वाली, उनका जो पढ़ाया जाता है वो भी सभी पोकेंस को उनको हील करना, इससे फर्क नहीं पड़ता है बुरे का है कि अच्छे का है, डॉक्टर का यही काम है भाई। काम डाउन ग्रंट, वी हैव मोर देन इनफ रिसोर्सेज टू मैनेज ऑन अवर ओन, ऑल दिस मीन्स इज दैट दे सी अस एज अ थ्रेट, व्हाई आर यू ऑल स्टैंडिंग हियर, एवरीवन गेट बैक टू वर्क, एट योर सर्विस एडमिन पेट्रोल एंड रसन जी, कम टू माई ऑफिस इमीडिएटली, आई हैव टू गिव यू सम न्यूज। Yes sir, let's go to the office. Excellent one grunts, Giovanni will be eager to start investigating the contents of that relic. Here's your reward. You have invoiced 80,000 rupees, sorry. In addition, take these 20 grid balls for each of you. Two grunts like yourself must have means at their disposal. Obtain the grid ball. You make yourself comfortable, we have much to talk. First of all, I have to tell you that our scientists, thanks to the patent stolen by Sanjay, are already on the verge of creating instantaneous long-distance teleportation points. The new invention will allow us to connect this base with that of Chrono Island and especially with our headquarters, the Celadon base. Petrol, when you arrived here on your first empty moon mission, you already showed a certain peculiarity that went beyond the stereotype of the average soldier. I gave you an opportunity with two missions of a certain complexity to test you, and you have met expectation. When you arrived here on your first empty moon mission, you already showed a certain that went okay. I gave you an opportunity with two missions of a certain complexity to test you, and you have met expectations. In view of recent events, Giovanni himself informed me that if you successfully complete this mission, you will be immediately transferred to the main base in Celadon City to work directly under his orders. Or to put it another way, you are now part of Giovanni's personal guard, the highest rank in our organization's hierarchy. Consider yourselves fortunate and above all, rise to the occasion as you will be working alongside the elite of our organization. We are ready, Admin Petrol.
वेल योर रियलोकेशन विल टेक प्लेस वंस वी फिनिश एडजस्टिंग द टेलीपोर्टेशन मशीन्स सो देयर इज नो नीड टू टॉक ऑल द वीक अक्रॉस कॉन्टू ऑन फूट इन द मीन टाइम यू हैव अर्न अ वेल डिजर्व ब्रेक सिंस योर अराइवल यू हैव कंप्लीटेड 3 कंसेक्यूटिव मिशंस विद गुड परफॉर्मेंस सो आई ग्रांट यू दिस पीरियड until your reallocation as free time. I recommend you relax, get to know Kanto since you are not from here. Take the opportunity to train your Pokemon and capture some new ones. And above all, mentally prepare for your reallocation. You should present yourselves in the best possible condition to Giovanni. This place is a foul smelling shed infested with ratatas compared to the clean and immaculate offices of our underground facility in Celadon City. Additionally, at your arrival, I mentioned that I would provide you with some general knowledge about Kanto and how to behave in the cities. But due to the urgency of our first mission at Empty Moon, you have ended up missing out on that basic training. Now that you have been here for some time and things have calmed down a bit, I'd like to ask what's your opinion of the people in Kanto? There's a noticeable difference with the people from Chrono Island. The fact that you are Rocket here seems to be heavily stigmatized. People point fingers at you in a disdainful way. Even if you haven't shown any signs of doing something wrong, in general, the population of Kanto hates us, it as if. They would have been convinced that the bad guys in the movie are us. Exactly, Andra. Exactly. It is the power of a correct smear campaign, manipulation of information and facts, and cheap demagoguery. We are a private organization that does not care. There is no other option than to resort to organized crime to recover what is theirs. Not an immoral and murderous crime syndicate has they want to make out from the doors of the Indigo Plateau. He will start telling how things work around here, especially now that you will be heading to Celadon City. I am sure Giovanni will be delighted to provide details to you competent young individuals like you. That's all from me, Grunts. Enjoy this well-deserved free time and I will let you know when the machine is ready. At your service, Admin Petrol. Sanjay, I will be going to train at Route 9. And 10 at least of Salient City, at the east of Salient City. Now we got Kurt, we could access there. If you search for me, I will be there. Route 9 and 10, chalo, theek hai. Okay guys, yahan pe Andra ye Route 9 aur 10 pe training karne aur apan ko bhi free time mila. Jab tak machine kaam nahi karta tab tak apan ko bhai free time hai. To apan kuch bhi kar sakte hai. Basically apan ko training wagera karna hai. ठीक है गाइस, आज का एपिसोड भाई काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया. अपन ने 2 मिशन कंप्लीट किया, एक बिल के घर में से चोरी किया, एक शिप के अंदर से भी चोरी किया भाई अपन ने. तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी भाई अपने लिए. एंड अपने ब्लू को भी हरा दिया भाई, तो काफ़ी बढ़िया हो गया भाई. बिल को भी अपन ने हराया था. ठीक है, तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, 2 मिशन भी अपन ने कंप्लीट कर लिया. बाकी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बता देना. आई होप आप लोगों को भाई वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना. बाकी ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना. बाकी मिलेंगे एक नई वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय सभी को एंड हैव अ गुड डे.